क्या कभी आपने कुछ ऐसा पाया है जो सदियों से छुपा हो, मानो वो आपकी किस्मत का हिस्सा हो? रोहन को एक दिन ऐसा ही कुछ मिला, खोई हुई यादों की किताब। पर यह कोई साधारण किताब नहीं थी। हर पन्ना पढ़ते ही उसकी जिंदगी बदलने लगी, यादें जागने लगीं, अजीबोगरीब घटनाएं, युद्ध और एक अनजान औरत की हरी आंखें जो उसे बुला रही थीं। वो कौन थी और क्यों ये सब इतना परिचित लग रहा था? जैसे जैसे वो किताब के गहरे रहस्यों में डूबता गया, उसे एक सच्चाई का सामना करना पड़ा। यह किताब केवल उसकी नहीं थी, वो अकेला नहीं था। उसे अब किसी और के डर से लड़ना था। क्या वो खुद को बचा पाएगा? रोहन को किताबों से हमेशा एक अलग सा लगाव रहा था। उसका बचपन किताबों की दुनिया में डूबते हुए बीता था। किताबें उसके लिए महज कागज के पन्ने नहीं थीं, बल्कि एक खिड़की थीं दुनिया की उस सच्चाई की ओर जिसे वह जानने को उत्सुक था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, जिंदगी की व्यस्तताओं ने उसे अपनी जकड़ में ले लिया। फिर भी जब भी उसे वक्त मिलता, वह किसी न किसी किताब की दुनिया में खो जाता। उस दिन भी बारिश हो रही थी। ठंडी बूंदों की आवाज के बीच रोहन अनजाने रास्तों पर यूं ही भटक रहा था। शहर के पुराने हिस्से में उसकी नजर एक पुरानी इमारत पर पड़ी जो आधी ढह चुकी थी। वह एक पुराना पुस्तकालय था। दरवाजे पर मिट्टी से ढका हुआ एक छोटा सा बोर्ड लगा था जिस पर बस पुस्तकालय लिखा था। रोहन के कदम स्वतः ही उस पुस्तकालय की ओर बढ़ गए। अंदर दाखिल होते ही उसे एक पुरानी सड़ी हुई किताबों की गंध महसूस हुई। वहां का माहौल कुछ अजीब था, जैसे वक्त ने यहां कदम रखना छोड़ दिया हो। धूल से ढकी अलमारियों पर अनगिनत किताबें सालों से बिना छुई हुई पड़ी थीं। उसकी नजर अचानक एक किताब पर पड़ी जो सबसे कोने में दूसरे ढेर के पीछे छुपी हुई थी। किताब का कवर बेहद पुराना और धूल से भरा था। उस पर लिखा हुआ शीर्षक लगभग मिट चुका था, पर जैसे ही उसने उसे साफ किया, शब्द उभर कर आए, खोई हुई यादों की किताब। एक अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ उसे। बिना सोचे उसने वह किताब उठाई और पढ़ने लगा। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, एक हल्की सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। पन्ने जैसे फड़फड़ाए और एक अजीब सी ठंडक उसके आसपास फैलने लगी। किताब के शब्द अजीब थे, किसी प्राचीन भाषा में लिखे हुए, मगर फिर भी जैसे वे सीधे उसके मन में उतरते जा रहे हों। पढ़ते पढ़ते अचानक रोहन को एक विचित्र अनुभव हुआ, मानो उसने खुद को किसी और जगह पर पाया हो। हमें ऐसे वीडियो बनाने में बहुत समय लग जाता है, कभी कभी 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं। लेकिन जब कोई लाइक, कमेंट या सब्सक्राइब नहीं करता है तो सच में हम अंदर से टूट जाते हैं। तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। वह एक बड़े मैदान में खड़ा था, चारों ओर धूल और धुआं, दूर तक जले हुए घर और लाशें बिखरी हुई थीं। हाथ में तलवार लिए वह एक योद्धा की तरह खड़ा था, जबकि उसके सामने एक विशाल सेना खड़ी थी। वह घबराया हुआ पीछे हटा, लेकिन तभी एक आवाज उसके कानों में गूंजी। यह तुम हो रोहन, यह तुम्हारी पिछली जिंदगी है। हड़बड़ाकर रोहन ने अपनी आंखें खोली। वह फिर से पुस्तकालय में था। पसीने में लथपथ उसकी धड़कन तेज हो चुकी थी। क्या यह सब सच था या फिर उसकी कल्पना मात्र? लेकिन जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। वह वापस किताब की ओर लौटा और पढ़ने लगा। हर पन्ना जैसे उसे एक नए रहस्य की ओर खींच रहा था। अब हर रात जब वह किताब पढ़ता, उसे अजीब अजीब सपने आने लगे। कभी वह किसी युद्ध में लड़ रहा होता, कभी किसी बड़े महल के सिंहासन पर बैठा होता, और फिर एक चेहरा बार बार उसके सपनों में आने लगा। एक औरत का चेहरा जिसकी हरी आंखें उसे हमेशा घूरती रहतीं। उसे नहीं पता था वह कौन थी, लेकिन वह अजनबी नहीं लगती। ऐसा लगता जैसे उसने उसे कहीं देखा हो, कहीं बहुत पहले। समय के साथ रोहन की जिंदगी बदलने लगी। अब वह दिन रात उस किताब में खोया रहता। जो वह पढ़ता, वही वह देखता, वही उसकी जिंदगी बन जाती। उसकी वर्तमान दुनिया से वह धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। उसके दोस्त और परिवार चिंतित थे, लेकिन रोहन को अब किसी और की परवाह नहीं थी। उसकी पूरी दुनिया अब बस खोई हुई यादों की किताब में थी। जैसे जैसे वह किताब में गहराई से डूबा, उसे यह एहसास हुआ कि वह किताब केवल कहानियां नहीं, बल्कि उसकी खुद की पुरानी जिंदगियों की यादें थीं।
वह किसी और जमाने में अशुर नाम के एक शक्तिशाली योद्धा था जिसने एक बहुत बड़ा साम्राज्य चलाया था, और उसकी सबसे बड़ी गलती थी लिरा, वही हरी आंखों वाली औरत जो उसकी प्रेमिका थी। लेकिन एक भयंकर युद्ध के दौरान अशुर की एक भूल ने न केवल साम्राज्य को बल्कि लिरा की जिंदगी को भी नष्ट कर दिया था। एक दिन जब रोहन गहरे विचारों में खोया हुआ था, एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया। उसकी आंखों में चेतावनी थी। उसने रोहन को बताया कि यह किताब एक जाल है, जो भी इसे पढ़ता है वह अपनी असली जिंदगी से कट जाता है और उसकी आत्मा अतीत में फंस जाती है। उसने कहा, बहुत से लोग इस किताब को पढ़ चुके हैं और उनमें से कुछ कभी वापस नहीं आ सके। तुम अभी भी पीछे हट सकते हो, वरना यह किताब तुम्हें भी निगल जाएगी। लेकिन रोहन अब पीछे हटने की स्थिति में नहीं था। वह जानना चाहता था सच क्या था। क्या वह अशुर की गलतियों को ठीक कर सकता था? क्या वह लिरा को बचा सकता था? रोहन ने किताब को और गहराई से पढ़ना शुरू किया। उसने जान लिया कि यह किताब केवल उसकी यादों को ही नहीं जगा रही थी, बल्कि एक प्राचीन शक्ति भी उसके पास वापस आ रही थी। वही शक्ति जिसने उसे अतीत में सर्वशक्तिमान बनाया था। लेकिन इस बार उसे समझना था कि शक्ति एक दोधारी तलवार है। अगर वह सावधान नहीं रहा तो वह फिर से वही विनाश ला सकता था। एक रात जब उसने लिरा के अंतिम क्षणों को फिर से देखा, तो उसने महसूस किया कि यह किताब उसे एक मौका दे रही थी, एक आखिरी मौका अपने अतीत को सुधारने का। लेकिन क्या वह ऐसा कर पाएगा? आखिरकार रोहन ने किताब को बंद कर दिया। उसके सामने एक निर्णायक क्षण था। या तो वह इस किताब की शक्ति को अपने हाथ में लेकर फिर से एक नया साम्राज्य खड़ा कर सकता था, या इसे हमेशा के लिए नष्ट कर सकता था ताकि कोई और इस जाल में न फंसे। उसने अपना फैसला कर लिया। वह अब अपने अतीत से भाग नहीं सकता था, न ही उसे बदल सकता था। उसने उस किताब को आग में डाल दिया। किताब जलने लगी और उसके साथ अतीत की सारी यादें भी धुएं में बदल गईं। जैसे ही किताब पूरी तरह से राख हो गई, रोहन के दिल से एक भारी बोझ उतर गया। उसने महसूस किया कि वह अब आजाद था अपने अतीत की बेड़ियों से, अपने गिल्ट से। आखिरकार उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह जानता था कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसकी सच्चाई को समझकर वह एक नई शुरुआत कर सकता था, और यही उसने किया। एक नई जिंदगी जिसमें अब उसे अपनी पुरानी गलतियों का डर नहीं था। कुछ यादें खोने के लिए नहीं होती और कुछ राज कभी उजागर नहीं होने चाहिए। लेकिन अब रोहन को उस अतीत से मुक्ति मिली है जो कभी उसका ही था। पर क्या सचमुच वो इस जाल से निकल पाया है, या फिर यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई? हमें ऐसे वीडियो बनाने में बहुत समय लग जाता है, कभी कभी 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं। लेकिन जब कोई लाइक, कमेंट या सब्सक्राइब नहीं करता है तो सच में हम अंदर से टूट जाते हैं। तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें प्रेरणा मिलती है।